दोस्तों इमेजिन कीजिए कि हमारे इस ज़मीन से सडनली सारे लोग गायब हो गए हैं, उसके बाद हमारी इस ज़मीन का क्या होगा। दोस्तों मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, पर आप यकीन जानिए कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बार आप इमेजिन तो कीजिए, और अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो एक बार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ना डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इंसानों के सडनली गायब हो जाने की वजह से पूरी दुनिया में एक हड़कंप समझ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई शख्स कार चलाता होगा और वो सडनली गायब हो जाएगा तो जिसकी वजह से उस कार को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा और वो कार किसी दूसरे कार को जाके हिट करेगी, और ये इसी तरह कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और इन सब के शांत होने से पहले पहले तक आसमान से प्लेन्स गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसे भी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। और इसी तरह रेलवे ट्रैक से ट्रेन उतर जाएगी तो कहीं ट्रेन किसी खेत में या किसी बिल्डिंग से जाकर टकरा जाएगी, और इन सब के शांत होते ही पूरी दुनिया की लाइट शट डाउन हो जाएगी, यानी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर पावर स्टेशन कोयले और फ्यूल से चलते हैं और इन सब को कंटिन्यूसली चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत होती है। और जब इंसान ही नहीं होंगे तो ये सब बंद हो जाएंगे, और इसी तरह विंड मिल्स, सोलर पैनल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि इन सब को मेंटेन और क्लीन करना पड़ता है, वो भी हर दिन। इन सब के शटडाउन होने के एक वीक के अंदर ही सारे पेट्स एनिमल भूख और पानी की कमी की वजह से मरने शुरू हो जाएंगे, और जो बचे होंगे वो अपने से दूसरे कम ताकतवर को खाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उस नस्ल का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। और इसके एक मंथ के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में कूलिंग वाटर की कमी से लगातार धमाके होंगे, और ये धमाके हिरोशिमा और नागासाकी से भी ज़्यादा बड़े होंगे, और इसके रेडिएशन से बाकी बचे जानवर कैंसर और दूसरी बीमारी से मरने लगेंगे। और जहां सारे जानवर कुछ मंथ में मर जाएंगे, वहीं इस तबाही के एक साल के बाद आसमान से तारे टूटने लगेंगे, पर ये कोई तारे या स्टार्स नहीं होंगे, पर ये वो सैटेलाइट्स होंगे जिसे हम इंसानों ने स्पेस में अपनी सहूलत के लिए भेजे थे, और बिना किसी इंसान के ये सैटेलाइट भी एक एक कर कर ज़मीन पर गिरने लगेंगे। और इंसानों के डिसअपीयरेंस के 10 साल के बाद तमाम रोड्स, हाईवे, स्ट्रीट्स, बिल्डिंग में पेड़ पौधे निकल जाएंगे, और जो जानवर बचे होंगे वो अपनी नस्ल बढ़ाने लगेंगे, और हो सकता है कि कुछ नए नस्ल के जानवर भी पैदा होंगे जिसे हम इंसान नहीं देखे होंगे। और इसके अलावा हवा और भी ज़्यादा साफ हो जाएगी, और इंसानों के नहीं होने से एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। पर इसके अलावा दुबई पूरी तरह से रेत में ढक जाएगा, और इसी तरह पूरी दुनिया में कहीं कोई शहर पानी में डूबा होगा तो कहीं कोई कंट्री का नाम तक बाकी नहीं होगा। और इसी तरह 200 साल गुजर जाएंगे, और जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिज, डैम्स और एफिल टावर ये सब गिरने शुरू हो जाएंगे, वो इस वजह कर क्योंकि इन सब में जंग लग जाएगा और इन सब को मेंटेन करने वाला कोई नहीं होगा, और ये सब इमारतें बालू में बनाई गई इमारतों की तरह गिरने लगेंगे, और बाकी बचे डैम्स वो भी टूट जाएंगे और उनके पानी चारों तरफ फैल जाएगा, और उससे नए पेड़ पौधे और समुद्री जानवर पैदा होंगे। इन सब वजह कर समुद्री जानवर और परिंदे ज़्यादा वक्त तक जिंदा रह पाएंगे, और ये ज़मीन पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और इसी तरह कई हज़ार साल गुजर जाएंगे, और अब इस पूरी दुनिया का नक्शा चेंज हो चुका होगा, वो इस वजह से क्योंकि अब ना कहीं कोई बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स और हाईवे होंगे, और ना ही कहीं कोई डैम होगा। ये पूरी ज़मीन प्लेन हो चुकी होगी, सिवाय कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे गीज़ा का पिरामिड, माउंटेन और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बस ये वो चीज़ें होंगी जो बाकी होंगी। और अब कई लाख साल गुजर चुके होंगे, पर इंसानों के जरिए फैलाए गए कचरे जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक बोतल, ये सब अब भी बाकी होंगे, पर अब ये सब भी घुलने और पिघलने लगेंगे, और ह्यूमन सिविलाइजेशन का कहीं कोई नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। और इंसानों के जरिए फैलाए गए कचरे और बनाई गई बिल्डिंग्स भी, ये भी ख़त्म हो चुकी होंगी, और ये ज़मीन हम इंसानों के बिना और भी ज़्यादा अच्छी और हरी भरी होगी। दोस्तों हम इंसानों ने इस ज़मीन का बहुत बुरा हाल कर रखे हैं। हम लोग कभी डेवलपमेंट के नाम पे एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, तो कभी कहीं वाटर पोल्यूशन फैलाते हैं।
इन सब में हम लोग का ही सबसे ज़्यादा नुकसान है और किसी का नहीं है। दोस्तों, ये ज़मीन हमारे बिना तो रह सकती है, पर हम इस ज़मीन के बिना नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक करके चले जाएं। पर एक कमेंट ज़रूर करें कि आपने ये डिसलाइक क्यों किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।